मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? आज शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिन, यहां से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि हम उनके बलिदान में से प्रेरणा लेकर भारत के उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग हाथ उठाएं, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेता श्रीमान शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी, यहां के ही नेता और केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह पुलस्ते जी, यहां के ही मध्य प्रदेश के ही नेता और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, यहां के लोकप्रिय सांसद जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे श्रीमान राकेश सिंह जी, श्री विजय शाह जी, श्री बिसाहू लाल सिंह जी, सुश्री मीना सिंह जी, श्री अरविंद भदौरिया जी, श्री संपतिया उइके जी, श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, श्री नंदिनी मरावी जी, श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, श्री गोपाल भार्गव जी, और आज पूरे मध्य प्रदेश से जो जनजाति समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे उपस्थित प्रमुख सभी नेताओं को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर अमर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज के ही दिन सन 57 में ये दोनों पिता पुत्र मां भारती की पैरों में से गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा उस दिन, कितना संताप होगा यहां के लोगों के अंदर, कितना संताप होगा देश भर के देशभक्तों के मन में, जब ये दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। परंतु उनके मन पर, उनके मुख पर कोई दुख विषाद नहीं दिखा। मां दुर्गा की स्तुति करते करते अगला जन्म भी इसी भूमि पर मिले और मां भारती की सेवा करते करते फिर से बलिदान होने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना करते करते ये वीर बलिदानी स्वर्ग सिधार गए थे। और इन बलिदानियों के कारण ही आज हम 75 साल से स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। 1857 से शुरू हुई हमारी आजादी की क्रांति की लड़ाई 1947 15 अगस्त को समाप्त हुई और 15 अगस्त से आज तक 75 साल तक इस देश को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। परंतु इस वर्ष हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और ऐसे गुमनाम शहीदों को फिर से उनकी स्मृति को, उनके बलिदान को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। क्योंकि जो इतिहास लिखा गया उनमें उनका नाम नहीं है, निशान नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसी जबलपुर में पिसनहारी की एक यहां पर धर्मशाला है, वहां पर 16 दिन तक रहकर जब मैंने गुजरात में सुना कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इसी प्रकार बलिदान दिया, मेरे मन में बहुत कौवत था।
कौतुक था कि एक कविता के कारण किसी को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाता है। तब मैं इसको देखने के लिए आया था, भेड़ाघाट भी गया था, जबलपुर भी रहा था। तब से ये पिता पुत्र के बलिदान का मेरे मन में एक अनूठा स्थान है। आज मेरा सौभाग्य है कि उनका जो स्मारक बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, उसकी नींव मेरे हाथों से डालने का सौभाग्य मुझे मिला है। परंतु मित्रों, देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई प्रदेशों में ऐसे अनेकानेक वीर बलिदानी है जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला। क्या काल उसको भुला सकता है? क्या उनके बलिदान को हम भुला देंगे? क्या कोई भी देश की नई पीढ़ी चाहेगी जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व नौछावर कर दिया, उनको हम भूल जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जाने अनजाने सभी शहीदों को, स्वतंत्रता के सेनानियों को पुनर्जीवित, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करेंगे, उनके बलिदान के जज्बे को आज की युवा पीढ़ी में रोपित करने का काम करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। कई लोग पूछते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है। आजादी का अमृत महोत्सव नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का ज्वर जगाने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव देश की युवा पीढ़ी को गौरव के साथ जोड़ने का, भारत के गौरव के साथ जोड़ने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का संकल्प लेने का एक प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव 130 करोड़ भारतीयों को अपना जीवन स्तर उठाकर सबको समान अधिकार मिले, इस प्रकार का भारत की रचना करने का संकल्प लेने का समय है। संविधान की भावना हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। कर्तव्य के लिए हर नागरिक के मन में जागरूकता पैदा करना, ये आजादी का अमृत महोत्सव का काम है। और हर भारतीयता के मन में, हर भारतीय के मन में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने का समय, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं, तब इस संस्कार धानी के इस पवित्र मिट्टी को छूने के लिए आया हूं, जहां पर रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान हुआ। या आज स्मारक जो बनेगा, आज यहां पर जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में हजारों साल तक न सिर्फ गोंडवाना, पूरे देश भर के युवाओं को ये पिता पुत्र का बलिदान प्रेरणा देता रहेगा और देश के लिए जान नौछावर करने के लिए आगे होगा। ये दुर्गावती का क्षेत्र है। रानी दुर्गावती के वंश में ही रघुनाथ शाह और शंकर शाह हुए, और रानी दुर्गावती ने भी, वीर रानी दुर्गावती ने भी मुगलों के सामने लड़ते लड़ते देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व नौछावर किया था। और वही प्रेरणा लेकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने भी बलिदान किया। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के समय 1857 से लेकर 1947 तक जितने गुमनाम आजादी के सिपाही थे, वीर बलिदानी थे, उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करना, उनके बलिदान को देश के युवाओं के सामने रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में हमारे इतिहास लिखने वालों ने अनुसूचित जनजाति के वीर योद्धाओं को भुलाने का काम किया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आजादी के आंदोलन के अंदर और सन 57 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर 1947 तक जनजाति नेताओं ने जो बलिदान दिए हैं, शायद ही इतने बलिदान किसी और लोगों ने दिए होंगे, इतने हमारे जनजाति नेताओं। मगर
उसको भुला दिया गया और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पीढ़ी जाने इसके लिए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कल ही वहां जाकर आया निर्मल में, जहां 1000 से ज्यादा जनजाति के लोगों को एक ही बरगद के पेड़ पर फांसी पर चढ़ा दिया गया है। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने सन 57 के पहले भी इस क्रांति को आगे बढ़ाया। 1780 से 1857 तक जिन्होंने क्रांति का बीड़ा उठाया उसमें सबसे ज्यादा जनजाति सेना नायक। 1855 में सिद्धू कानू विरोह, 1828 से 1832 तक बुद्धू भगत द्वारा चलाया गया लड़का आंदोलन, बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण संघर्ष, ढेर सारे ऐसे थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के पहले ही क्रांति की मशाल को जलाया था। इसके साथ ही गुंडाधुर, कांगला माझी, गैन सिंह जैसे अनेक नायकों ने भी सन 57 के पहले ही यहां पर देश भर में एक क्रांति का बिगुल फूटा था। 1842 में सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, नरहूद के मधुकर शाह, मदनपुर के गोंड राजा दिल्लन शाह, हीरापुर के हीरेन्द्र शाह, हिम्मत सिंह गौड़ और भाव सिंह गौड़ ने भी स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। और राजा शंकर शाह के बाद भाटगांव के राजा महिपाल सिंह गौड़, मदनपुर के राजा चंद्रहास गौड़, मूरत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह, गहवर सिंह गौड़, इन लोगों ने भी सन 57 के बाद इस लड़ाई को चालू रखा था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने एक निर्णय किया है कि जनजाति संग्रहालय देश भर में बनाए जाएंगे और इसमें ये जनजाति नेताओं को स्मरण के लिए एक हमेशा के लिए व्यवस्था करनी जाए। 195 करोड़, लगभग 200 करोड़ सी लागत से 9 संग्रहालयों की कल्पना की गई है और बहुत अच्छे तरीके से कोने कोने से जनजाति के वीर नेता जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, संघर्ष किया, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके इतिहास को पुनर्जीवित कर उनकी स्मृति को संजोकर ये संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिसमें गुजरात में राजपिपला, झारखंड में रांची, आंध्र प्रदेश में लंबासिंगी, छत्तीसगढ़ में रायपुर, केरल में कोझिकोड, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, तेलंगाना में हैदराबाद, मणिपुर में स्थान तय होना बाकी है और मिजोरम में केलसी के अंदर ये संग्रहालय बनाए जाएंगे और 200 करोड़ रुपए में से 110 करोड़ रुपया खर्च भी कर दिया गया है। मित्रों, जैसे शिवराज जी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं किया। अलग अलग दल खड़ा करती हैं, अलग अलग लोगों को आगे लाकर जनजातियों के वोटों में बंटवारा हो, इस प्रकार की भावना करती। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास। अभी शिवराज जी ने सुनते सुनते भी आप लोग थक गए होंगे, इतनी लंबी जनजाति कल्याण के फैसले दिए। वो तभी हो सकते हैं जब पार्टी का विचार, पार्टी के नेता का, मुख्यमंत्री का विचार और उनके आचार दोनों के बीच में एक वाक्यता हो। भाषण के अंदर जनजाति कल्याण की बात करना और उसको जमीन पर उतारना ये बहुत अलग चीज है। आज तक मध्य प्रदेश के अंदर जनजातियों को विकास करने के लिए ढेर सारे कदम पहले भी उठाए गए, आज भी उठाए, मोदी जी ने भी ढेर सारे कदम उठाए, मगर शिवराज जी ने आज जनजाति के लोगों को अधिकार देने की शुरुआत की है और मैं मानता हूं एक नए प्रकार की शुरुआत। मित्रों, मोदी जी ने आने के बाद, मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कांग्रेस वाले मेरे जाने के बाद जरूर प्रेस करेंगे, मगर मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं
उन्होंने उसका जवाब देना चाहिए। वार्षिक बजट जो होता है जनजातियों के लिए वो 2013-14 में 4,200 करोड़ था। जरा जोर से बोलिए कितना था, जोर से बोलिए कितना था। 2021-22 में उसको बढ़ाकर 7,900 मतलब दो गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, इसके अलावे अलग अलग शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है, 2013-14 में देश भर में कुल मिलाकर 21,500 करोड़ था। 21,500, मैं फिर से कहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, 21,500। 13-14 में आपने परिवर्तन कर दिया, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सूत्र दिए जो आदिवासी के जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित है। तो 21,000 करोड़ से मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 21-22 के बजट के अंदर 21,500 करोड़ से बनाकर 78,900 करोड़ रुपया चार गुना करने का काम किया। अब मैं पूछ सकता हूं कांग्रेस के किसी नेता को, भैया आपके पास इसका जवाब क्या है? एसटी कवरेज जो 24 केंद्रीय मंत्रालयों में था उसको बढ़ाकर 41 मंत्रालयों तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, और सबसे बड़ा काम किया है। बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो संविधान प्रदत्त अधिकार को वो जान पाएगा, संविधान ने जो कर्तव्य दिए है उसको वो जान पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, और आदिवासी गांव से स्कूल तक जाना बहुत कठिन होता है, ये परिस्थितियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं। इसलिए मोदी जी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल अपनाकर प्रत्येक ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का काम किया है मित्रों, प्रत्येक आदिवासी बहुल ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर लगभग 167 स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं, 250 से ज्यादा बनाने हैं, इसमें से 161 बनाने की शुरुआत हो चुकी है, और इसके लिए एक नया बजेटरी प्रोविजन करने की भी शुरुआत हुई। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना मोदी जी की कल्पना से ही हुई, पहले 18 थे पहली टर्म में, उसको बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर 27 करने का काम इस टर्म में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट पर परिव्यय 7 करोड़ पहले होता था, इससे बढ़ाकर 150 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आदिवासी दिन भर मेहनत करता है, जनजाति के मेरे भाई मेरी बहनें दिन भर मेहनत करती है, और जब वन उपज को खरीद कर बेचने जाते हैं कुछ नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले कांग्रेस के जमाने में, मैं इसलिए कंपैरिजन कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कांग्रेस वाले शाम को मैदान में आएंगे, उन्होंने स्पेसिफिक इस चीज का जवाब देना चाहिए। 9 राज्यों में केवल 10 उत्पादों को कवर किया गया था, और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों को उसमें कवर कर 10 की जगह 49 उत्पादों को एमएसपी पर खरीदने की शुरुआत की है। 49 उत्पादों को 25 राज्यों में 37,000 स्वसहाय जूट बनाए गए, और एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की कल्पना की गई, और नियमों से ही अधिकार मिलते हैं, निर्णयों से ही अधिकार मिलते हैं। पहले खदान से अंदर से खनिज निकाला जाता था, कोयला निकाला जाता था, लोहा निकाला जाता था, एल्यूमिनियम पीतल निकाला जाता था, उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं होता, उस क्षेत्र का विकास नहीं होता, और खदाने ज्यादातर हमारे जनजाति क्षेत्रों में ही है। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत एक निश्चित हिस्सा वो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए करा जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तहत होगा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 5 साल के अंदर 51,000 करोड़ रुपया जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से किया गया है। छात्रवृत्ति भी बढ़ाई गई है,
लगभग 2000 करोड़ रुपया इस बार 30 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दे जाएगी और मणिपुर के अंदर जहां ट्राइबल बहुल है वहां पर एक खेल इंडस्ट्री बनाने का भी काम किया गया है। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के अंदर ढेर सारे काम जनजातियों के लिए किए हैं। उन्होंने टाटिया भील की स्मृति में खंडवा जिले के बड़ोद में एक विशाल स्मारक बनाया। जन नायक भीमा नायक की स्मृति में बावड़ी जिला बड़वानी में एक प्रेरणा केंद्र का निर्माण किया है। छिंदवाड़ा में पहले ही मैंने कहा आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। जनजाति नायकों बिरसा मुंडा, टाटिया भील, अवंतीबाई, रघुनाथ शाह, शंकर शाह के बलिदान दिवस पर अनेक विविध कार्यक्रम किए जाते हैं और अलीराजपुर में स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वीबाई के स्मारक को भी लोकार्पित किया गया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये वंचितों के लिए काम करने वाली सरकार है और विशेषकर आदिजाति के लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है। ये जनजाति के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हमने कल्याण योजनाएं भी ऐसे बनाई है जिसे स्वीकारने में किसी को संकोच न हो, गौरव के साथ स्वीकार से। हमने आदि वनवासी भाइयों को, हमने जनजाति भाइयों को घर दिया, घर के अंदर बिजली दी, शौचालय दिया, 5 लाख तक का प्रधानमंत्री आरोग्य कार्ड देने का काम किया, अब शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचा रहे हैं। जनजाति क्षेत्र के भाइयों बहनों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए गौरव के साथ वो समाज के अंदर जी सके, इस प्रकार का प्रयास करने में भारतीय जनता पार्टी का सरकारें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, इसका मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी हर राज्य सरकारें जनजाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भी है और समर्पित भी है। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार शंकर शाह और रघुनाथ शाह की पुण्य स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले हजारों सालों तक ये पिता पुत्र के बलिदान को हमारा समाज, हमारा देश और विशेषकर युवा अपने दिल में संजो कर रखेगा और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर भारत विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, अलग अलग नाम से, अलग अलग काम से, अलग अलग बात से जो जनजाति समाज को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयासों को सफल मत होने दीजिएगा। देश का विकास जनजाति समाज और बाकी सारे समाज एकत्रित होकर भारत का भी विकास करे, अपना भी विकास करे, इसी में हमारा भला है। और ये सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो या केंद्र सरकार हो, दोनों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जनजाति विकास के लिए समर्पित सरकारें हैं। फिर से एक बार हम सब मिलकर ये दोनों बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे, हम सब मिलकर और उनकी पुण्य स्मृति से प्रेरणा लेकर आगे पर हम भी भारत कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़े, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है और यही मेरा मेरा भी संकल्प है। तो फिर से एक बार इस कार्यक्रम में, जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज मुझे यहां उपस्थित लेने का निमंत्रण देकर मेरे मन में जो था इसको अभिव्यक्त करने का मुझे मौका दिया है। और फिर से एक बार इन्होंने आज लंबी सूची जो जनजाति कल्याण के लिए यहां से घोषित की है, और मुझे विश्वास है कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो सूची को वो नीचे तक आदिवासी भाई बहनों तक, जनजाति भाई बहनों तक पहुंचाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर से आप सभी को प्रणाम कर मेरी ओर से जोहार कहकर आप सभी को नमस्कार करता हूं। भारत माता की जय।